अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाउ वी स्टार्ट द एक्सरसाइज 2.4 वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बेसिकली तीन वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो मैंने आपको समझाया है कि दूर वाला नज़दीक माइनस नज़दीक वाला दूर, यानी कि a.a.k इंटू j माइनस i.j इंटू के। ठीक है, तो ऑपोजिट वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट आपको पता है जीरो होता है। ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट वेक्टर्स ये आई जे के एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो वो आपके पास आपस में क्या एंगल बनाते हैं, 90 का एंगल बनाते हैं। तो 90 के एंगल में ये जीरो होता है, यानी कि i.i1 होता है, j.j1 होता है, k.k1 होता है, बाकी तमाम डॉट्स क्या होते हैं, वो जीरो होते हैं। तो ये आ गया। सिमिलरली i.i1 और ये j0, तो ये आपके पास k आंसर आ गया। ठीक है, सिमिलरली ये भी ऐसे ही। उसके बाद है ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से निकालने के लिए कहा हुआ है। ठीक है, तो आप फार्मूला ये वाला यूज़ करके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फाइंड आउट कीजिए। ये वैसे सेकंड मेथड है, जैसे प्रीवियस है कि बी क्रॉस सी पहले ले लो, ये वेक्टर ले लो, फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ ले लो। ठीक है, ये सेकंड मेथड आपने करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, पहले ए का बी के साथ डॉट पर ले लो, फिर उसको सी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लेना, फिर ए का सी के साथ डॉट पर लेना, उसको बी के साथ मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, मल्टीप्लाई करना दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये उसे सेकंड मेथड से सॉल्व किया हुआ है, आपकी अपनी मर्जी है, जैसे मर्जी कर लीजिएगा। थर्ड जो थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन है आपके पास कि वेरीफाई आपने करना है, वेरीफाई दिस के, यानी कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बराबर है। आई भी, ए भी दिया, बी भी दिया, जी भी दिया, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व करना है, यानी कि बी क्रॉस सी पे ले लेना है, फिर जो आंसर आएगा उसका क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ ले लेना है, फिर अगला जो पार्ट है वो ए डॉट सी लेना है, फिर ए डॉट बी लेना है, ए डॉट सी को बी से मल्टीप्लाई करना है, ए डॉट बी को सी से, उन दोनों को आपस में माइनस कर देना है। देखो, ए डॉट सी लिया, फिर ए डॉट बी लिया, फिर उसके बाद आपने इसके फार्मूले में पुट किया, राइट हैंड साइड के फार्मूला में आपने इसको सब्स्टिट्यूट किया, तो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आपके पास ये आंसर आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गए। ठीक है, जो एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 भी यही है कि वेक्टर, यानी चार वेक्टर्स के दरमियान प्रोडक्ट है। तो मैंने अभी आपको समझाया कि चार वेक्टर्स के दरमियान प्रोडक्ट, आपकी मर्जी इसको लेट करना है इसको लेट कर लो, आपकी मर्जी इसको, क्योंकि हमने वो अगली एक्सरसाइज भी आपकी इसी टॉपिक पे आ रही है, 2.5 भी, उसमें भी इसी तरह ही करते हैं। ठीक है, हमें डायरेक्ट वैक्टर 4 वैक्टर्स के दरमियान वैक्टर प्रोडक्ट नहीं पता, हमें सिर्फ वैक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी तीन वैक्टर्स के दरमियान का प्रोडक्ट हमें पता है, हमें उसी का फॉर्मूला आता है। तो हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे। तो दूर वाला नज़दीक यानी कि टी डॉट ए इंटू सी माइनस नज़दीक वाला दूर। ठीक है, तो नज़दीक वाले के साथ इंसान को इतनी मोहब्बत नहीं होती, दूर वाले के साथ इंसान को ज़्यादा मोहब्बत होती है। ठीक है, तो ये ए डॉट सी इंटू ए जो रह गया वो बाहर। ठीक है, टी की वैल्यू पुट कीजिएगा। अब ये सी डॉट सी स्केलर ट्रिपल पर दो वेक्टर्स में जीरो हो जाता है, तो ये सी डॉट ए बी डॉट सी क्रॉस ए लिख लो या ए डॉट बी क्रॉस सी लिख लो, ये सेम होता है। अगर आपको ना पता चले कैसे सेम, तो आप हमेशा सर्कल बना लिया करो। ठीक है, सर्कल बना के वैल्यू पुट कर लिया करो, ए बी एंड सी, ए डॉट बी क्रॉस सी या बी डॉट सी क्रॉस ए, तो ये सेम आ जाएगा। उसके बाद है सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बच्चों, इसको अच्छे से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, पहले इसको हल करेगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को, अब उसने इसको टी पुट, आपकी अपनी मर्जी है, इसको करना है इसको करना है इसको करना है इसको, इसको करके उसने फार्मूला खोल दिया। फार्मूला खोलने के बाद, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी देता है, इस जो बाहर वेक्टर रहता है ना ए क्रॉस बी, ये जो डॉट होता है ये डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर के साथ होती है, ये पूरी स्केलर क्वांटिटी है, इस पूरे ने इस वेक्टर के साथ जाके अटैच होना है, इसके साथ अटैच नहीं होना, इसने सिंपली बाहर निकल आना है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी, जब ये इसके साथ अटैच होगा, ये भी मैंने आपको अभी एग्जांपल आपको करवाई है। ठीक है, तो वो आपके पास वही आ जाएगी, तो उसके जीरो आ गया। ठीक है, उसके बाद है सिमिलरली इसका स्केलर प्रोडक्ट ले लीजिएगा, इसका खोल लीजिएगा, इसका खोल लीजिएगा, आधी वैल्यूज आपकी नेगेटिव आ जाएगी, आधी वैल्यूज आपकी क्या आ जाएंगी, पॉजिटिव आ जाएंगी, क्रॉस आना, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, वेरी डिटरमाइन द कंपोनेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी अलोंग द डायरेक्शंस ऑफ आई जे के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो अभी मैंने आपको कहा था ना कि एग्जाम में ये सच नहीं आता, ये है डेरिवेशन है वो। ठीक है, डेरिवेशन यानी थ्रू आउट द डेरिवेशन आपको करनी है, मैंने आपको पेजेस इसके सेंड कर दिए हैं व्हाट्सएप में, तो अगर आपने एक दफ़ा करना होगा तो कर लीजिएगा, वेल एंड गुड अगर कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है,
तो ये सारा वो है, मैंने आपको कहा है कि A1 B1 A2, यानी इसमें सब में तीनों में ऐड होना है, तब में आपके पास 2 2 ऐड होना है, ठीक है। तो कीजिएगा इंशाल्लाह ताला, ये हो जाएंगे, वैसे ये एग्ज़ाम में आता नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 उसने दिया है एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी, यानी कि ये क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ है, ये क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ है, यानी कि इन सब का बारी बारी क्रॉस प्रोडक्ट खोल लेना, इसका भी खोल लीजिएगा, इसका भी खोल लीजिएगा, इसका भी खोल लीजिएगा, ये देखें खोला हुआ है, ठीक है, यानी कि आई क्रॉस आई ए क्रॉस आई, ठीक है। तो दूर वाले का आई डॉट आई इंटू ए माइनस आई डॉट ए इंटू जी, ठीक है। तो ए वैक्टर हमने लिया हुआ है A1 I A2 j A3, ए की 1 की वैल्यू पुट कीजिएगा, आई डॉट आई 1 ये वैक्टर, तो आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट ही आएगा, बाकी तमाम आई का जे के साथ भी 0, आई का के साथ भी डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 0, तो आई डॉट आई क्या आ जाएगा 1, तो A1 I आ जाएगा। सिमिलरली इसको भी इसी तरह करेंगे, जे डॉट जे 1 जे के साथ क्रॉस पढ़ लेंगे, तो ये A2 j और k के साथ डॉट पढ़ लेंगे, तो ये तो तीनों आंसर्स को आपस में इसमें पुट कीजिएगा, तो ये A1 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 ऐड हो जाएंगे, जब आप तीनों में पुट करोगे तो ये वैल्यूज आपने सबसे जुड़ गया, तो A1 A1 A तीनों वेक्टर्स ऐड हो जाएगा, तो ये माइनस साइन निकल, तो ये पूरा एक वेक्टर बनता है आपके पास, ठीक है, यानी ये वेक्टर बनता है, तो ये भी पूरा ए वेक्टर की वैल्यू पुट कीजिएगा, तो फिर 3 a में से माइनस a करेंगे तो 2 a आ जाएगा, तो 2 2 से कैंसिल हो गया, रिमीनिंग आपके पास a हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 उसने आपको दिया हुआ है कि शो दैट द दिस फैक्टर्स उसने दिया हुआ है, यानी कि शो दैट दिस इफ एंड ऑनली द फैक्टर कोलीनियर, कोलीनियर होता है एक ही लाइन में लगता है, उसने कहा कि ये चीज़ होल्ड करती है, तो साबित करें कि ए और सी कोलीनियर, अगर ए सी कोलीनियर तो ये चीज़ होल्ड करती है, इफ एंड ऑनली इफ केस है ना, दोनों तरफ प्रूफ करना है, ठीक है। तो आप इसका सेकेंड मेथड कर लो, करना चाहो तो ये भी आसान है कि पहले हमने लेना है वो कोलिनियर, कोलिनियर को मैंने बताया आपको ए इज इक्वल टू लैम्डा बी की शक्ल में लिखते हैं, ठीक है, तो ये दिया हुआ है उससे आपको, तो करना चाहो तो ऐसे कर लो, ठीक है, अगर नहीं ऐसे करना चाहते, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, तो मैं ईजीएस्ट मेथड आपको समझा देती हूँ। ईजीएस्ट मेथड ये है, इफ़ एंड ऑनली साल है, यानी कि उसने कहा ये चीज़ इसके बराबर है, ठीक है, तो इसका भी स्केलेटिव पर पावर खोल लो, इसका भी खोल लो, ये इधर से लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई, तो लेफ्ट साइड से ए डॉट्स सी डॉट ए इंटू बी माइनस, नज़दीक वाला माइनस के साथ आना है, सी डॉट बी इंटू ए, ठीक है, इधर से भी खोल लेंगे, दोनों तरफ से कट हो जाएगा, तो आपके पास माइनस माइनस से, हाँ जी, तो ये है इफ़ एंड ऑनली सा लगाते जाएंगे, ठीक है, तो माइनस दोनों साइड से कट गया, तो ये ए वेक्टर इधर, तो ये इधर आ जाएगा, ये देखो ये कांस्टेंट है, ए डॉट बी भी कांस्टेंट वैल्यू स्केलर क्वांटिटी है ना, ये भी, तो ये दोनों स्केलर मल्टीप्लाई स्केलर, ये सब कांस्टेंट, तो इसको किसके इक्वल लेंगे, लैम्डा के इक्वल लेंगे, तो साथ इफ एंड ऑनली केस लेते जाएंगे, तो ए इज इक्वल टू लैम्डा बी, यही साबित करने का ये है, तो ये दोनों लीनियर है, यानी ए इज इक्वल टू लैम्डा सी की शक्ल में लिखा जाएगा, ठीक है, अगर साथ साथ आपने इफ एंड ऑनली, यानी कि अगर ये लेंगे तो फिर ये होगा, ये होगा, ये होगा, ऊपर से नीचे भी जा सकते हैं, नीचे से ऊपर भी, तो इसलिए साथ साथ आपने इफ एंड ऑनली लगाते जाना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 उसने कहा ये तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं, तो यूनिट वेक्टर्स हैं, तो उसने कहा है कि इनको इस तरह लिख सकते, तो फाइंड द, उसने कहा फाइंड द एंगल ए जो बना रहा है बी के साथ, एंगल बी के साथ और सी के साथ, और बी एंड सी जो है वो नॉन कोप्लेनर है, ठीक है, हमने एक वेक्टर का एंगल निकालना जो बी और सी के साथ नहीं बनाता, और ये दोनों जो है नॉन वेक्टर्स हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सिमिलरली अपनी सेम उसी तरह ही उसी पैटर्न से ही करना है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो यूनिट वेक्टर, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जैसे खोलते हैं, खोले ने ए का सी के साथ इंटू बी और ए का बी के साथ इंटू सी, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे ये इसको लिखो 0 सी यूनिट वेक्टर, दोनों वेक्टर बराबर है ना, ये बी और सी में लिखा हुआ है, ये भी बी और सी में, तो ये स्केलर प्रोडक्ट इसके इसके बराबर आ जाएगा, और ये इसके दोनों कंपेयर, जैसे आई आई के साथ, जे जे के साथ, के साथ, उसने कहा यानी ए का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट बना रहा है, सी का डॉट प्रोडक्ट है ना, ए यूनिट वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा एंड बीटा अलोंग द बी और सी, यानी ए सी के साथ जो बनाता है वो अल्फा, ए जो बी के साथ बनाता है वो क्या है, बीटा, तो आप इसको कंपेयर करेंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा, तो इसका यूनिट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है ना 1/2, तो इसका खोल लें, ये मैग्नीट्यूड ए यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, सी यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ बीटा 1/2, तो ये यूनिट वेक्टर्स हैं ए बी सी, तो यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या आती है 1, तो कॉस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, और इससे बीटा की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। सिमिलरली माइनस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसकी मैग्नीट्यूड इसकी मैंने कॉस ऑफ अल्फा, क्योंकि ये इसके साथ कंपेयर होगा करना, तो 0, तो ये भी 1 ही है, तो कॉस ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 0, ठीक है, तो सिमिलरली आपकी वैल्यू इसमें क्या आ जाएंगी,
यानी कि तो कॉज इनवर्स निकाल लेना, तो 1/2 पे 60 डिग्री, कॉज 0 पे 90 पे 0 होता है, ठीक है, तो वो वैल्यू नहीं। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट भी ऐसे ही करना है, वहाँ पे सी कोएफिशिएंट 0 था, यहाँ पे सी की वैल्यू 1/3/2 है। इसका स्केलर प्रोडक्ट निकल, ये इसके साथ कंपेयर हो जाएगा, ये इसके साथ कंपेयर हो जाएगा, ए डॉट सी 1/2 और ए डॉट बी 3/2, तो इसका फार्मूला खोल लीजिएगा, इसका खोल लीजिएगा, बीटा की वैल्यू निकल आएगी, अल्फा की वैल्यू सेम इसी तरह निकल आएगी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरह है, उससे क्या पहले आप इसका वेक्टर प्रोडक्ट खोल लीजिएगा, इसको लेट कर लीजिएगा, इसका वेक्टर प्रोडक्ट लीजिएगा, वेक्टर प्रोडक्ट लेने के बाद, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लेने के बाद उसका फार्मूला खोल लीजिएगा, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, तो ये तो वैसे ही 0 हो जाएगा ना, दो वेक्टर सेम है तो ये 0 आ रहे हैं, ये पूरी स्केलर क्वांटिटी है, तो ए ने किसके साथ डॉट लेने ना, डी के साथ, ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है, किसी जो स्केलर होता है उसने किसी के साथ डॉट या क्रॉस नहीं लेना होता, ए डॉट डी आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 से क्या ये साबित करें ये कोप्लेनर है या नहीं, तो क्या करेंगे, वही एग्जांपल रिपीट हुई है, ये तीनों वेक्टर साबित करें कोप्लेनर, तीनों का फार्मूला खोल लीजिएगा, तीनों का आपस में ऐड कीजिएगा, आधी वैल्यूज प्लस में आधी नेगेटिव में, तो तमाम आंसर्स क्या आ जाएंगे, 0, तो ये वैक्टर आपके पास क्या आ गया, कोप्लेनर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, देख लें एक दफ़ा, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये उसी तरह है जो पीछे छोड़ दिए, ए बी सी दिए हुए हैं, तो आपने क्या करना है उसको सिंप्लीफाई कर कर खोल देना है वैल्यूज़ को, ठीक है, आप रिटर्न में भी उसको ए के साथ करेंगे, ये सारा आ जाएगा, तो ऐड करना है अपने कंपोनेंट्स को, ठीक है, तो इसको कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी, अपना ख्याल रखिएगा ढेर सारा, ओके, अल्लाह हाफिज़।